आज देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। साल 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है, कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा है। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर देश भर में कांग्रेसियों ने कई आयोजन किए। वहीं सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों के बीच एक घंटे मीटिंग चली। इस मुलाकात के बाद गांगुली के भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई है। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। किसानों की चिट्ठी पर सरकार आज जवाब दे सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन में शामिल हुए। यह दूसरा मौका रहा जब वे यहां आए थे। किसानों से मिलकर केजरीवाल ने कहा, मैं केंद्र सरकार को किसानों के साथ ओपन डिबेट करने की चुनौती देता हूं। इससे साफ हो जाएगा ये कानून कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर्सनल विजिट पर विदेश रवाना हो गए। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया राहुल कहां गए हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने दावा किया है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से एक कंपनी को पैसा दिया गया जो उसका संबंध शारदा ग्रुप से था। सीबीआई ने इस मामले में सीएम रिलीफ फंड में जांच की बात कही है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अरुण जेटली ने देश के विकास के लिए लगातार काम किया।